हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू लर्नोवेट। आज का डिस्कशन है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। प्रेशर एक ऐसे शब्द है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं प्रेशर तो सबके दिमाग में आता है एकेडमिक प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, फैमिली की तरफ से प्रेशर। अब हम लोग नया चीज़ भी सुनते हैं, पीयर प्रेशर, यानी अड़ोस पड़ोस के प्रेशर, है ना। तो प्रेशर एक ऐसी चीज़ जो कि हम लोग हर रोज़ झेलते हैं, बट यहाँ पर टॉपिक अलग है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स, यानी लिक्विड्स भी प्रेशर देते हैं। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। अब तुम सोच रहे हो लिक्विड प्रेशर देता है, ये कैसे? एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ लिक्विड क्यों, गैसेस प्रेशर नहीं देते हैं क्या? आई एम श्योर यहाँ पे बैठे सबको पता ही होगा ब्लड प्रेशर के बारे में। ये ब्लड प्रेशर का कॉज क्या है, या ब्लड प्रेशर होता क्या है, या क्यों ज़रूरत होता है, है ना। ये इसका जो रीज़न है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, पूरे बॉडी के ऊपर, और सिर्फ हमारे नहीं, हर जानवर, हर पेड़, हर पौधे, हर चीज़ के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर एक्ट करते हैं। क्यों एक्ट करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। जैसे मैं इस चीज़ को कैरी कर रहा हूँ मेरे हाथ में, तो इसका एक वेट है, यानी इसका एक फोर्स है जो कि मेरे हाथ के ऊपर एक्ट कर रहा है, और ये कुछ एरिया पे स्प्रेड आउट है। प्रेशर इसी चीज़ को नापता है। कई बार देखना हम लोग अपने लाइफ में फोर्स और प्रेशर को थोड़ा मिक्सअप कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा क्लियर कट हमारे माइंड में ओपिनियन होना चाहिए कि प्रेशर क्या रोल प्ले करता है और फोर्स क्या रोल प्ले करता है, ठीक है ना। जैसे इस इमेज में तुमको दिख रहा है कि एक डाइवर है। अब ये डाइवर ये अजीब सा ड्रेस क्यों पहन रखे हैं बताओ जरा, है ना। एक नॉर्मल डाइवर एक बिना ड्रेस का भी जा सकते हैं। अब ये मत सोचो कि ठंड के कारण ऐसे ड्रेस पहन के जा रहे हैं। ये एक ऐसे ड्रेस है जो कि समुंदर के प्रेशर को थोड़ा बहुत झेल सकता है, क्योंकि जब डाइवर नीचे चले जाते हैं तो लिक्विड का प्रेशर एक्ट करता है। तो देयरफॉर हमने अब बहुत सारी बातें कर ली है प्रेशर के ऊपर। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक्चुअल डिटेल्स जानने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये डाइवर के ऊपर में भी एक बार और डिस्कस कर लेंगे, फाइन। सो द टॉपिक इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। प्रेशर का कोई नया डेफिनेशन नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा है वही अभी भी दोबारा डिफाइन करेंगे। एंड दैट इज व्हाट प्रेशर पी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट सरफेस एरिया। यानी सरफेस पे नॉर्मली जो फोर्स एक्ट कर रहा है वही प्रेशर कंट्रीब्यूट करेंगे। बट देन यू माइट से कि अगर मान लो फोर्स है ही नॉर्मल तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अगर फोर्स नॉर्मल नहीं है, एंगल पे है, तो क्या उसका हम वर्टिकल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो वही प्रेशर को कंट्रीब्यूट करता है। नाउ यू माइट से कि अच्छा फिर दूसरा कंपोनेंट का क्या होगा, है ना। ना देखो, दूसरे कंपोनेंट का सॉलिड पे तो असर होता है। याद करके देखो, शियर मॉड्यूलस पढ़ा था ना, तो ये जो फोर्स है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये तो प्रेशर के रोल प्ले कर रहे हैं, जो दूसरा है यही शियर का रोल प्ले करते हैं। और यहां पे जान के तुम लोग आश्चर्य तो नहीं होंगे शायद, बट आई एम श्योर क्यूरियस होंगे, एंड दैट इज कि लिक्विड्स में शियर फोर्स बर्दाश्त करने का कोई कैपेबिलिटी नहीं है। यानी लिक्विड को दबाओ चारों तरफ से, नो इश्यूज, लिक्विड इसको झेल लेता है। लेकिन अगर मान लो एक सैंपल ऑफ लिक्विड रखते हो और उसके पैरेलल फोर्स रखोगे, इन दैट केस देखना फोर्स लगाने वाला फोर्स आगे पॉइंट आगे चला जाएगा। यानी लिक्विड के पास शियर फोर्स विथस्टैंड करने का कोई कैपेबिलिटी नहीं है, जबकि सॉलिड के पास है। सॉलिड के पास देखो ऐसे है कि अगर मान लो तुम ऐसे फोर्स लगाओगे तो उसको विथस्टैंड कर सकता है, झेल सकता है, लिक्विड्स में नहीं है। सो देयरफॉर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर इज ओनली द नॉर्मल वन। यानी सिर्फ हम लोग नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही प्रेशर में इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे जो हमने फिगर बनाया है उसमें देखो क्या है कि डीएफ बाय डीए, या कह सकते हो कि डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए। जैसे सपोज मुझे जानना है इसके ऊपर प्रेशर, तो डेल्टा एफ इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स एंड डेल्टा ए इज द स्मॉल एरिया। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये एरिया ऐसे हो सकता है ये कल को एरिया ऐसे हो, नो प्रॉब्लम। हो सकता है इसका वेरी स्मॉल एरिया ले लो, है ना, मे बी लेट्स कॉल इट एज डी ए, और इसके ऊपर सपोज एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये फोर्स परपेंडिकुलर है, तो इन दैट केस क्या होगा? अगर ये फोर्स डी एफ है तो इन दैट केस प्रेशर हो जाएगा इक्वल टू डी एफ बाई डी ए,
ठीक है। अच्छा, अगर मान लो प्रेशर चारों तरफ यूनिफॉर्म है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इन दैट केस कोई बड़ा एरिया भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया सपोज ए, और इसके ऊपर सपोज चारों तरफ फोर्स इक्वली एंड यूनिफॉर्मली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट्स से सपोज टोटल फोर्स एफ है और लेट अस से इसके एरिया ए है, इन दैट केस क्या होगा, टोटल फोर्स बाय टोटल एरिया विल बी इक्वल टू प्रेशर। सो पी विल बी इक्वल टू एफ बाय ए, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया ऑफ प्रेशर। लेकिन अगर प्रेशर हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, इन दैट केस छोटे छोटे एरिया पे उस जगह के लिए एक यूनिक प्रेशर डिफाइंड होगा एंड दैट इज गिवन बाय डीएफ बाय डीए। आई विल रिपीट, डीएफ यानी फोर्स हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द एरिया कंसिडर्ड, ठीक है। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर स्मॉल इंट्रोडक्शन टू प्रेशर। अब हम आगे चलेंगे। नाउ अबाउट द नेचर ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस बिकॉज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन्स आई मीन यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक क्योंकि लिक्विड रेस्ट पे है, इसलिए इसका नाम दिया गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट्स वन वर्ड। लेकिन ध्यान रखना ये कोई वाटर स्पेसिफिक डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी लिक्विड के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो जस्ट बिकॉज द वर्ड इज हाइड्रोस्टैटिक डज नॉट मीन कि इट इज ओनली रिलेटेड टू वाटर। बट क्योंकि इतिहास में अगर हिस्ट्री में देखें तो वाटर के ऊपर ही सारा डिस्कशन, एनालिसिस, डिस्कवरीज हुए थे, तो इसलिए जो शब्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है या किया गया है या इंट्रोड्यूस किया गया है ये सारे वाटर रिलेटेड है। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज वॉट वी कॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है ट्रांसमिटेड। इस पे हम लोग काफ़ी आगे डिस्कशन करेंगे। आज हमने जस्ट पॉइंट आउट कर दिया कि देखो ये शब्द भी कई बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस लिए, कैसे, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। इन ऑल डायरेक्शंस, अब देखो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन ऑल डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड विच शोज दैट अ डेफिनेट डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विथ प्रेशर। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज तुमने क्या किया, एक वो लिया है, बैलून लिया है, सपोज ऐसे करके एक बैलून भर दिया, ठीक है। तो एक बैलून को भर दिया और मान लो कुछ गांठ भी लगा लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक वो लगा दो, जो पंप नहीं आता, एक पंप लगा दो ऐसे करके, ठीक है। और मान लो इस पंप में पानी है, सो दिस इज विथ लेट्स से वाटर, ठीक है, इसमें पानी है। तो इस पंप में पानी तुम डाल रहे हो ऐसे करके। अभी बताओ कि क्या प्रेशर इसी डायरेक्शन में लगेंगे, क्योंकि तुमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, तुमने तो फोर्स ऐसे अप्लाई किया होगा इस पंप में से जबरदस्ती पानी बैलून में डालने के लिए। लेकिन क्या प्रेशर सिर्फ इसी डायरेक्शन में एक्ट करेंगे? द आंसर इज नो। प्रेशर देखना चारों तरफ एक्ट करेंगे। नाउ यू माइट बी स्क्रैचिंग योर हेड कि इसका क्या एविडेंस है, हम आपका बात क्यों मान लें। ओके, अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। सपोज मैंने क्या किया है, इसमें दो होल्स बना लिए या दो या तीन होल्स बना लिए, एक यहां पे, एक मान लो यहां पे और एक मान लो यहां पे। अब जब पानी थोड़ा सा अंदर डाला हुआ है तो बैलून एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो देखना पानी जो है इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग अनयूजुअल। अब एक काम करो, इस पंप को और पुश करो, तो यानी इसका पानी और इसके अंदर आ जाएंगे, यानी इसके वॉल्यूम बढ़ जाएंगे और साथ साथ प्रेशर भी बढ़ेंगे। देखना जैसे ही बढ़ेगा तो देखना इसका जेट भी अब ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा वॉल्यूम वेलोसिटी और ये भी और तेजी से निकलेंगे। अब बताओ अगर मान लो मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, अगर प्रेशर का एक्शन उसी डायरेक्शन में होता, अगर होता, मैं ही नहीं करूं कि होता है, मैं करूं अगर होता, तो सिर्फ इसी होल का ना वेलोसिटी बढ़ना चाहिए था। ये तो उस लाइन पे नहीं है, देखो इस लाइन पे तो ये वाला होल नहीं है, ये वाला होल भी नहीं है, पर वेलोसिटी तो उनका भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर ट्रांसमिटेड हो रहा है वो ऑल डायरेक्शंस में हो रहा है। हाँ, एक सवाल जरूर तुम्हारे माइंड में होगा कि आपने ये कैसे कह दिया कि इक्वली होगा ना। इसका भी जवाब देंगे, अभी तो नहीं देंगे बट इसका बाद में देंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हमें मिला इस छोटे से स्लाइड के सेंटेंस से। नंबर वन इज दैट हाइड्रोस्टैटिक मींस इन जनरल लिक्विड, फॉर एनी लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो ट्रांसमिट सारे डायरेक्शंस में होता है। नाउ यू माइट से कि इसको आप इतना एम्फेसिस क्यों दे रहे हो, ऑल डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन। ओके, अब सुनो,
सपोज मैंने एक काम किया, मैंने किसी को बुलाया, तुम में से किसी को बुला लिया, और एक सॉलिड है मान लो मेरे पास, मैं कोई और सॉलिड भी ले सकता हूँ, लेट से इसको ले लेता हूँ, चलो एक और सॉलिड है मेरे पास, ये एक डस्टर है, मैंने इसको लिया और एक वॉल के साथ, मान लो एक वॉल है, वॉल के साथ इसको सटाया और फोर्स लगाया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुम लोगों में से किसी को बुलाया, आंखों में पट्टी डाल दिए और तुमको बोला भाई एक काम करो, अपना फिंगर ना यहां पे रख लो, कहां पे, साइड में, ध्यान से देखना, साइड में, और मैं, अच्छा उसके आंख में पट्टी डाल दिया कि वो देख नहीं सकता क्या हो रहा है, पर अगर कुछ होगा तो फील कर सकता है शायद साइड से। अब मैं काम करता हूं, मैं अपने इस यू नो डस्टर पे फोर्स कभी ज्यादा कभी कम कभी मीडियम लगाता रहता हूं, लेट्स से मैं फोर्स बदल रहा हूं, क्या उसका एहसास इसके फिंगर टचिंग को पता चलेगा, इसके फिंगर को पता चलेगा, वो तो फिंगर टच किया हुआ है, लेकिन क्या इस फिंगर को पता चलेगा? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। लेकिन वही फिंगर अगर मान लो उसने यहां रखा होगा डस्टर के सामने, और अब मान लो वो फिंगर सामने रखा हुआ, अब सब कुछ तो इकट्ठे करके नहीं दिखा सकता हूं, बट मान लो फिंगर साथ सामने रखा हुआ यहां पे, और मैं ऐसे करके रखता हूं और उसका फिंगर यहां पे है, उसके ऊपर डस्टर है कुछ ऐसे, ठीक है ना, कुछ ऐसे करके, और अब मैं इस डस्टर को अगर पुश करता हूं, कभी कम करता हूं, कभी मीडियम करता हूं, कभी हल्का करता हूं, क्या उस फिंगर से या उसके फिंगर के प्लेसमेंट से उसको एहसास हो पाएगा कि हाँ हमने कब प्रेशर ट्रांसमिट किया या नहीं किया, या कम किया या मीडियम किया ज़्यादा किया? अब तुम्हारा जवाब होगा अरे अब तो करेगा ही, अब तो शायद अगर ज़्यादा कर दिया तो चीखेगा भी। बिल्कुल यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ, यानी प्रेशर के ट्रांसमिशन साइडवेज नहीं हुआ तभी तो उसको साइड से फील नहीं हुआ, लेकिन सामने की तरफ हुआ तभी देखो उसको फील हुआ सामने जब फिंगर रखा था। लेकिन लिक्विड में ऐसे नहीं हुआ, लिक्विड में फोर्स यूं लगाया गया था तो प्रेशर भी इस तरह एक्ट किया था सो कॉल्ड। लेकिन जब हमने इस बैलून के एक्सपेरिमेंट को देखा तो मैंने देखा कि वेलोसिटी सबके ही बढ़ गए, यानी प्रेशर सब में बढ़ गए। हाँ, अब ये सवाल तो खैर अभी जवाब नहीं दे पा रहा हूं मैं, अभी वो बाद में कभी देंगे, ठीक है ना, अभी इस टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा हूं मैं कि इक्वली कैसे क्लेम कर रहे हो, वो भी धीरे धीरे प्रूव करेंगे, जब इतना हुआ है तो वो भी करेंगे। फाइन, सो देयरफॉर एक मैसेज मिला इज दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन लिक्विड का प्रेशर चारों तरफ एक्ट करता है। इनफैक्ट मुझे शायद इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाना चाहिए कि अगर मान लो कोई भी लिक्विड ले लो, जैसे मान लो ये लिक्विड है, ठीक है ना, एक वेसल है, एक लिक्विड है, और यहाँ पे एक लिक्विड का छोटा सा ड्रॉप ले लो। अब मैंने तो खैर काफी बड़ा ड्रॉ किया, एक्चुअल में काफी छोटा सा होगा। इन दैट केस इस लिक्विड के वजह से और इस लिक्विड के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर होगा, और वो कैसे होगा वो देखो, ये लिक्विड ड्रॉप ऐसे भी प्रेशर दे रहा होगा, ऐसे भी 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 दे रहा होगा। नॉट ओनली दैट, चारों तरफ के लिक्विड भी इस लिक्विड ड्रॉप को ऐसे ही चारों तरफ से प्रेशर दे रहे होंगे। नाउ दैट इज द स्टेटस ऑफ प्रेशर, यानी इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज द ब्रीफ जस्टिफिकेशन, ठीक है ना। इस पे और डिस्कशन करेंगे, अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बट आई एम श्योर इस लाइन पे अब थोड़ा सा तुम लोग भी सोचने लगे हो, है ना। चलो अब थोड़ा सा अलग मुद्दे पे जाते हैं। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताना चाहता हूं। मैं थोड़ी देर पहले एक मुद्दा उठाया था, अब देखो इतने सारे बातें होते हैं कि एक एक करके लेना इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ी देर पहले एक मुद्दा उठाया था इज दैट कई बार हम लोग अपने जो है ना फोर्स और प्रेशर को इंटरमिक्स कर लेते हैं या कंफ्यूज कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू फोर्स और प्रेशर को थोड़ा फील किया जाए। देखो एक ट्रेन बहुत भारी होता है ना। अब उस ट्रेन के ऊपर जो लोड होता है वो सारा किस पे जाता है? ट्रेन के व्हील्स के ऊपर। व्हील के ऊपर जो लोड होता है वो इन टर्न कहां पे जाता है? ट्रेन के ट्रैक के ऊपर, यानी पटरी के ऊपर। चलो अच्छी बात है। पटरी किस चीज का बना होता है? लोहे का बना होता है, और वो भी हाई क्वालिटी स्टील का बनता है एक्चुअली। तो हाई क्वालिटी स्टील बनता है, वो बहुत ही पावरफुल स्टील है, स्पेशल स्टील, उसके लिए स्पेशल इंडस्ट्री से उसका मटेरियल लेके बनाया जाता है। नॉर्मल स्टील पे नहीं बनेगा, वो उतना मजबूत नहीं हो पाता जितना कि ये स्पेशल स्टील जो ट्रैक का बनता है वो बहुत ही स्पेशल स्टील होता है, ठीक है ना। अब स्टील का है तो उसके ऊपर पूरे ट्रेन का लोड आ रहा है, वो तो उसको झेल लेता है, पर ये स्टील का ट्रैक रखोगे कहाँ पे? अगर उसको जमीन पे रख दोगे तो बारिश होगा तो जमीन का जो मिट्टी होगा वो गीला हो जाएगा, सॉफ्ट होगा तो उसके अंदर धस जाएगा, तो क्या कर सकते हैं? इसलिए क्या किया जाता है, ये जो स्टील के ट्रैक्स दिख रहा है ये देखना, ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, ये सब ये या तो कंक्रीट का बनता है
या तो बनता है कई बार स्टील का, और पुराने ज़माने में तो मैंने लकड़ी का भी देखा है, पर वो बहुत मजबूत लकड़ी होता था, वो नॉर्मल कोई भी लकड़ी उठा के नहीं डाल सकते थे, तो स्पेशल लकड़ी आते थे, बट वो पुराने ज़माने की बात है। आजकल देखना ये कॉन्क्रीट का या कई बार ये भी लोहे का या स्टील का बनाया जाता है, जिससे कि मजबूती आता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पूरा लोड जब ट्रैक पे आ रहा है, क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है फोर्स, और साथ में इंपॉर्टेंट उससे भी ज़्यादा है प्रेशर, क्योंकि ये जो मिट्टी धस जाता है ये फोर्स के वजह से नहीं धसता है, ये धसता है प्रेशर के वजह से। तो ज्यादा प्रेशर होगा तो मिट्टी के अंदर धस जाने का खतरा ज्यादा होगा। अब लोड तो उतना ही है, ट्रेन तो पूरा उतना ही है, फोर्स तो तुम कम कर नहीं पाओगे, और अगर कम करोगे तो नुकसान में जाओगे, क्योंकि अगर बहुत कम लोड ले जाओगे ट्रेन में तो उसमें नुकसान होगा। तो ट्रेन का लोड तुम कम करना चाहते नहीं है, लेकिन प्रेशर ज्यादा करोगे तो धस जाएगा। तो लोड भी नहीं कम करना है, प्रेशर भी ज्यादा नहीं रखना है, तो क्या तरीका है, एरिया बढ़ाना। इसलिए देखो सीधे ट्रैक को जमीन पे नहीं रख रहे हम लोग, कैसे रख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल उसके ऊपर रख रहे हैं, बार्स के ऊपर रख रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, प्रेशर कम हो जाए, फोर्स ज्यादा लेकिन एरिया भी ज्यादा कर दिया, जिससे कि प्रेशर मॉडरेट हो गया और उतना ये झेल लेता है। दैट इज द आइडिया। ये हो गया एग्जाम्पल वन, ठीक है ना, सो दैट इट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द स्लीपर, ये इसका मेन रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज अबाउट अ नाइफ। अब देखो सपोज अगर मैं तुमको बोलूंगा कि भाई मुझे ना सब्जी काटना है, मुझे कुछ और चीज को काटना है, तो काटने के लिए क्या जिम्मेवार है, फोर्स या प्रेशर? देखो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से ना फोर्स और प्रेशर का डिफरेंस का एहसास करो ना। मैं एक काम करता हूं, मैं रख देता हूं यहां पे कद्दू, मैं रख देता हूं यहां पे एक लौकी, और मैं कहता हूं तुम ना फोर्स लगा के कट करो। अब देखना तुम कद्दू को ऐसे करते रहोगे, ऐसे करते रहोगे, वो फट जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, अंदर से उसका मटेरियल बिखर जाएगा, तो वो कटिंग ठीक से नहीं हो पाएगा, जबकि मैं फोर्स अच्छा खासा लगा रहा हूं। पर मैं कैसे लगा रहा हूं, अपने हाथों से, फिस्ट से, लेकिन यहां पर फोर्स ढंग से नहीं लग पाता। उससे काफी कम फोर्स से, बड़े आराम से, सिस्टमेटिकली, बिना मटेरियल को तितर बितर करके, बड़े आराम से ऐसे कट हो जाता है। यानी क्या पता चल रहा है कि कटिंग का जो एक्सरसाइज है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड उतना नहीं करता जितना कि प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब प्रेशर को हम बढ़ाएं कैसे ना, देखो पिछले बार हम एरिया बढ़ा रहे थे क्योंकि हमें प्रेशर घटाना था, इस बार हम एरिया को घटाना चाहते हैं क्योंकि हमें प्रेशर बढ़ाना है। हाँ, प्रेशर बढ़ाने का एक तरीका तो है डेफिनेटली कि फोर्स बढ़ा दो, पर फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि वो खराब हो जाता है उससे। तो इसलिए फोर्स भी कम, प्रेशर ज्यादा, तो एरिया को कम करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर। अब एरिया को कैसे कम किया जाए वो तो सब लोगों को मालूम है कि नाइफ का जो एज होता है वो बहुत शार्प यूज किया जाता है, जिससे कि कटिंग बड़े आराम से हो जाए, है ना। बहुत सिंपल एग्जांपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल नहीं है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। सेम फॉर वॉकिंग ऑल्सो। देखो कैमल्स जब नॉर्मल उस पर चलते हैं तो उनको ज्यादा दिक्कत होता है, लेकिन जब डेजर्ट पे चलते हैं बल्कि उनके लिए अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उनके जो पैर है वो रिलेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड पे आता है। तो क्या फील हो रहा है, द सेम आई विल से हियर ऑल्सो कि देखो सपोज मैं अपने हाथ को दबा रहा हूं, तो एम आई फीलिंग द फोर्स और द प्रेशर? द आंसर इज फोर्स। क्योंकि जरा सोचो, यही अगर मैं यहां पे करता हूं, और अगर यहीं पे, यहां पे करता हूं, यहां पे करता हूं, तो देखो उतना ही फोर्स, लेकिन देखना अलग अलग अमाउंट ऑफ पेन यानी दर्द फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉडी के पेन का सेंसेशन है वो फोर्स नहीं, वो प्रेशर से गाइड होता है। सेम हियर ऑल्सो, इफ यू लुक एट द कैमल्स फीट, इट इज स्लाइटली लार्जर सो दैट इट इज एबल टू विदस्टैंड द फोर्स ऑफ द कैमल। हाथी का देख लो, हाथी का वेट और ज्यादा है, इसलिए देखा होगा हाथी के जो पैर है चारों वो खंबे की तरह है। रीजन क्या है, नेचर ने अपने आप को ऐसे इवॉल्व किया है कि इतना बड़ा हाथी का वजन, हाथी का वेट कम नहीं कर पाओगे, तो कैसे उसको टॉलरेबल करें, उसका एरिया बढ़ा दे देते हैं। तो देयरफॉर जो उनके जो पैर के जो एरिया है वो ज्यादा है, और इस वजह से क्या है ना, प्रेशर कम हो जाता है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नाउ प्रेशर, नाउ वी आर एक्चुअली कमिंग टू द हार्डकोर मटेरियल ऑफ द टॉपिक। जब हम प्रेशर को देखते हैं तो प्रेशर हम तीन तरीके से देख सकते हैं या तीन अलग अलग सिचुएशन फेस कर सकते हैं। नंबर वन इज ऑफकोर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर, नंबर टू इज गेज प्रेशर, हो सकता है कईयों के लिए नया हो,
एब्सोल्यूट प्रेशर, इट इज़ रिलेटेड टू बोथ ऑफ देम. तो विल स्टार्ट वन एट ए टाइम. सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे इस पहले इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबको समझ में आता है. हम लोगों को हार्ट लंग्स को पंप करना पड़ता है अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. और इसीलिए हमें तकलीफ होने लगता है जब हम बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में चले जाते हैं, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और अंदर हार्ट और लंग्स को आदत है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर को झेलने का, वो प्रेशर कम हो जाता है. तो इसलिए हमें अजीब से एक तकलीफ होता है, कई बार चक्कर आ जाता है, कई बार अलग अलग नौजिया का अलग अलग प्रॉब्लम्स आता है. क्यों? क्योंकि अंदर और बाहर का प्रेशर मिसमैच होता है, तो हमारे बॉडी उसके साथ एडजस्टेड या एकस्टम्ड नहीं है. दैट वॉज अबाउट लिटिल बिट अबाउट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट आवर बॉडी एक्सपीरियंसेस. लेकिन एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे से बॉडी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, चेयर टेबल बोर्ड आसपास जितने भी चीजें दिख रहे हैं सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को विदस्टैंड कर रहे हैं. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना? ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इनफैक्ट एक और सवाल भी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही क्यों. ना देखो, अगर मान लो मेरे हाथ पे ये जो मैंने अभी इंस्ट्रूमेंट रखा इसका प्रेशर है, तो वो क्यों है? क्योंकि इसका कुछ फोर्स है यानी वेट है. तो इसका वेट अपॉन जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, पूरा एरिया तो नहीं लेंगे, सिर्फ कॉन्टैक्ट एरिया लेंगे, छोटा सा जो एरिया है, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वही लेंगे. तो वेट अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज द प्रेशर इन दैट रीजन, ठीक है. तो इसका वैल्यू अगर याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज ऑफकोर्स 1 × 10^5, अदरवाइज अगर आई मीन दैट इज इन पास्कल, इसको पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है ना. इसको कई बार पास्कल भी बोलते हैं, तो लाइक दिस इज पास्कल, ठीक है. अब इसी को कई बार किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी किलो पास्कल भी बोलते हैं. सो इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज के पास्कल. पास्कल इज बाय द वे द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होता है? बहुत सिंपल है. मेरे सर के ऊपर और फॉर दैट मैटर किसी के सर के ऊपर भी, बॉडी के ऊपर भी, जमीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर अगर देखा जाए तो एक एयर का कॉलम है. उस एयर का कॉलम का जो वजन है, वेट है, वो वहाँ पे एक्ट कर रहा है और उसी वजह से ही प्रेशर क्रिएट होता है. इसलिए कॉज कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉज वही है. बट हाँ, उसका हिसाब कैसे हो सकता है, उसका मैथमेटिक्स क्या है, इस सब के बारे में हमें नॉलेज चाहिए, जो कि हम लोग आगे लेंगे. अभी तो जस्ट एक फैक्चुअल चीज़ याद कर लो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 1.013, यहाँ पे एक इंटू होगा, × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी उतना पास्कल. एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का तरीका क्या होता है? ना वी यूज़ अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट. आजकल तो खैर और भी इंस्ट्रूमेंट्स आ गया डिजिटल वगैरह, बट जो पुराना इंस्ट्रूमेंट है, जो क्लासिकल पहले का इंस्ट्रूमेंट है, वो है बैरोमीटर. बैरोमीटर बड़ा सिंपल इंस्ट्रूमेंट है. बैरोमीटर में हम क्या करते हैं, ना एक ट्यूब को मरकरी से भर लेते हैं और फिर एक छोटे से कंटेनर में, विच इज अगेन ऑफ मरकरी, उसको पलट देते हैं और देखा जाता है कि जब इस ट्यूब के अंदर देखोगे तो देखना यहाँ पे रहता है वैक्यूम और ये अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशंस, 76 सेंटीमीटर यहां पे इसका कॉलम बनता है. यहां पे रहता है वैक्यूम, यहां पे रहता है वैक्यूम. इनफैक्ट इसको बोला जाता है एज स्टोरिसेलीज वैक्यूम. ठीक है, तो इसको कई बार बोला जाता है एज टॉरिसेलीज वैक्यूम. और ये जो कॉलम सपोर्टेड होता है दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम. अब हो सकता है वो सोच रहे होंगे कि ये सपोर्ट कैसे होता है, ये तो इस वेसल से भी ऊपर है. एक्चुअली पता क्या है, इस वेसल के ऊपर ऐड कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये जो मैंने दिखाया है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर रहा है. तो देयरफॉर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसके ऊपर ऐड कर रहा है, वो इस लिक्विड को ऊपर ले जाता है. लेकिन जैसे जैसे लिक्विड ऊपर जाता है तो इसका भी प्रेशर ऐड करना शुरू हो जाता है. तो अभी अगर इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है कि इस लिक्विड कॉलम के वजह से जो प्रेशर है, ठीक है ना, और जो यहां पे प्रेशर आ रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बैलेंस्ड है. और इसलिए यहां पे 76 सेंटीमीटर जैसे मरकरी कॉलम होता है तो अप्रॉक्सीमेटली, मतलब
अप्रॉक्सीमेटली इसलिए क्योंकि एयर प्रेशर है तो थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे भी होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 76 सेंटीमीटर। और मरकरी कॉलम बैलेंस करता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इसी को जस्ट फॉर योर नॉलेज, बाकी एक बार कैलकुलेशन भी कर लेंगे, इसी को अगर तुम वाटर यूज करके बैलेंस करोगे, ठीक है ना, तो ये जो 76 सेंटीमीटर है ऑफ दैट इज ऑफ मरकरी कॉलम, लेकिन अगर इसी को तुम पानी पे बैलेंस करोगे पानी लेके, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है, वाटर कॉलम, ये डिफरेंस है। अब ये अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर का हिसाब कहां से आ रहा है ये भी मैं कभी करके दिखाऊंगा, बट अभी जस्ट फॉर योर नॉलेज, आई मीन कि बैरोमीटर इज सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस, एन इन्वर्टेड ट्यूब, ओके, और उसके लेंथ 76 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए अगर मरकरी बैरोमीटर है तो, और अगर वाटर बैरोमीटर है इन दैट केस तो 10 मीटर से भी ज्यादा ऊपर होना चाहिए। अब हो सकता है सोच रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ 76 और यहाँ पे 10 मीटर, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये बहुत गाढ़ा लिक्विड है, याद है ना डेंसिटी लास्ट क्लास पढ़े थे हम लोग, तो इसका डेंसिटी बहुत हाई होने के कारण इसका हाइट कम होता है, जबकि पानी का डेंसिटी काफ़ी कम होने के कारण इसका हाइट ज़्यादा होता है, ठीक है, दैट्स द कोरिलेशनशिप। बट हो सकता है बोलोगे कि चलो इससे तो ये पता चल रहा है कि हाइट कम क्यों और ज़्यादा क्यों, यही क्यों और यही क्यों, उसका जवाब हम लोग कभी और देंगे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया टाइप्स ऑफ प्रेशर में, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेशर एंड दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रेशर है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का मतलब होता है जो इंस्ट्रूमेंट हमें मेजर करके देता है, ठीक है, जैसे कई बार देखा होगा कि हम लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं अपने टायर्स में या उसमें क्या बोलते हैं ट्यूब्स में हवा भराने। अब हवा चाहिए या नहीं चाहिए कई बार हम तो जज कर नहीं पाते, हम तो उस हवा भरने वाले पे छोड़ देते हैं। वो क्या करता है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगाता है पहले और उसका नाप लेता है कि भाई इसका हवा के प्रेशर क्या है ट्यूब के अंदर, अच्छा ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए वो उनको आइडिया है। अब वो देखता है कि कम है या ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो खैर ज़्यादातर होता नहीं है, तभी तुम जा रहे हो, तुमको लग रहा है कम है इसलिए, तो वो जितना कम है उसका एक्चुअल प्रेशर और जितना होना चाहिए उसका जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे वो थोड़ी देर के लिए हवा डालता है। उसको इतना आइडिया है प्रैक्टिकली कितना देर हवा डालने से उसका प्रेशर अपने रिक्वायर्ड वैल्यू के आसपास आ जाएगा, दैट इज़ द आइडिया मीन। और वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो जो चीज़ मेजर करता है, प्रेशर मेजर करता है, उसको हम लोग कहते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर हो सकता है बोलोगे कि क्या इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट पूरा प्रॉपर प्रेशर मेजर कर नहीं सकता है? द आंसर इज दैट देखो वो इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेल रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट भी तो प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है ना। इसलिए अगर मान लो कोई ऐसे एक ट्यूब होगा जिसमें मान लो एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेयर और इसको मिलाओगे तो ट्यूब में से हवा आएगा ही नहीं भाई, 1 एटमॉस्फेयर बराबर है, तो इसलिए इसका कोई रीडिंग नहीं आएगा। अब जरा लॉजिकली समझो, रीडिंग आई क्यों रहा है? रीडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि मान लो ट्यूब में प्रेशर ज़्यादा है। अब मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को, ये वाला जो एंड होता है, इसको सपोज ट्यूब में डाल दिया। अब ट्यूब में से इंस्ट्रूमेंट में हवा आएंगे तभी ना इसका नीडल में मूवमेंट होगा। ये जो नीडल अभी देखो फिलहाल जीरो दिखा रहा है, तो लेकिन इसका नीडल में मूवमेंट होगा कब? जब इस ट्यूब में हवा आएंगे, तो इस ट्यूब में तो तभी हवा आएंगे ना, इस ट्यूब में तो तभी हवा एंटर करेंगे ना जब जिस चीज के साथ अटैच किया उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा हो। तो देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज्यादा है तो ही यहां पे रीडिंग बनना शुरू होता है। यानी अगर मान लो किसी ट्यूब के अंदर, टायर ट्यूब जो भी है, ट्यूब के अंदर अगर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो देखना इस वाले में, इस इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग आएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर में तो हवा ही नहीं आता है। हवा इसके अंदर कितना एंटर करेंगे, कब एंटर करेंगे? जब उस ट्यूब के अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तभी एंटर करेंगे। इसलिए जो गेज प्रेशर है इट इज द एक्सेस प्रेशर। गेज प्रेशर इज एक्चुअली द प्रेशर दैट शोज इन द रीडिंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ध्यान रखना। तो वो कितना रीडिंग दिखाएगा ना, जितना अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होगा उस हिसाब से हवा इसमें एंटर करेंगे और यही हवा के एंट्री के बाद यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग बनता है। तो रीडिंग तो तभी बनेगा
जब बाहर का प्रेशर या ट्यूब का प्रेशर या जिस चीज़ का भी प्रेशर मेजर करना चाहते हो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो तो। इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा था कि गेज प्रेशर इज बेसिकली द एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो जो एक्सेस प्रेशर है वही इसमें मेजर होगा, यानी पी माइनस पी एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि यहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर ना होके गैस प्रेशर हो जाए, कैसे ना। देखो, आज हम लोग एटमोस्फेयर के अंदर या एटमोस्फेयर के एनवायरमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे हम लोग एक पेट्रोल पंप में ट्यूब का एग्जांपल दिया, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर हो रहा है। बट हो सकता है कि कल को ये एक्सपेरिमेंट कोई आर्टिफिशियल कंडीशन में कर रहे हैं हम लोग, जिसमें सपोज जो गैस का प्रेशर है वो वन एटमॉस्फेयर ना हो कि 1 एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, कम भी हो सकता है। इन दैट केस मान लो अब एक ट्यूब में से या ट्यूब के अंदर क्या प्रेशर हुआ, अगर इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना चाहते हो तो ट्यूब में से हवा बाहर तभी आएंगे जब उस गैस के प्रेशर से ज़्यादा होगा। यानी जो एक्सेस प्रेशर होगा वो अब एटमॉस्फेयर नहीं, उस गैस के प्रेशर के हिसाब से बनेगा। इसलिए इन जनरल हम जब अपने आसपास कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो गेज प्रेशर का मतलब होता है पी माइनस पी एटमॉस्फेरिक। लेकिन अगर मान लो कल को किसी क्वेश्चन में या कोई और एनवायरमेंट में कोई और गैस के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो इन दैट केस पी माइनस पी गैस कर दो। सो देयरफॉर दिस विल ट्रांसफॉर्म टू पी माइनस प्रेशर ऑफ द गैस। कौन सा गैस? जिसके एनवायरमेंट में या जिसके माहौल में या जिस गैस के अंदर तुम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर उस गैस के प्रेशर के हिसाब से गेज प्रेशर बनेगा। बट यस, मोस्टली तो जो है होगा पी माइनस पी एटमॉस्फेरिक। इसलिए ये समझना इस बार इंपॉर्टेंट है कि इसका इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट होगा वो ट्रू मेजरमेंट नहीं होगा, इसलिए उसको नाम दिया गया गेज प्रेशर। सो इट इज नॉट द ट्रू प्रेशर, ठीक है। सो दैट इज द रफ व्यू ऑफ द यू नो एपरेटस, ठीक है। अच्छा, अगर तुम एक लिक्विड देखते हो तो जो डिफरेंस ऑफ हाइट है उस डिफरेंस ऑफ हाइट से ही मुझे इस गैस के अंदर का प्रेशर पता चलेगा, वो भी कौन सा प्रेशर? गेज प्रेशर, यानी कितना प्रेशर एक्स्ट्रा है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक, वो इस केस में इस सेटअप में पता चलेगा, ठीक है। सो दैट वॉज अबाउट योर गेज प्रेशर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी है, दैट इज कॉल्ड एज ए मैनोमीटर। मैं थोड़ी देर पहले जो कह रहा था वो था बैरोमीटर, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। चलो लेट्स मूव अहेड देन। दैट वाज अबाउट योर मैनोमीटर एंड बैरोमीटर बीइंग यूज्ड फॉर गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या होता है कि यही असली मेजरमेंट है। जैसे अगर मान लो तुमको किसी गैस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने हैं तो ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुट करोगे और ना ही गेज प्रेशर पुट करोगे, व्हाट यू विल पुट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। हाँ, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर का बराबर है या एब्सोल्यूट प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक के बराबर है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट, बट व्हाट वी आर सपोज टू यूज इज एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रेशर, ठीक है। चलो, सो अगर अभी अगर थोड़ी देर पहले देखा होगा हमने लिखा था कि पी गेज यानी गेज प्रेशर क्या है ना, पी माइनस पी एटमॉस्फेरिक। तो एक्चुअली प्रेशर क्या होगा? दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर बेसिकली, है ना। इसी से पता चल रहा है कि पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। कुछ नहीं, बस इसको इधर लेके आ जाओ तो यू विल गेट पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जनरली हम लोग एज ए स्टैंडर्ड सिंबल यूज करते हैं पी नॉट, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जनरली हम लोग यूज करेंगे एज पी नॉट। अच्छा, पी गेज कितना होता है? एच रो जी। अभी एच रो जी कहाँ से आ रहा है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जस्ट इतना नॉलेज रखो कि जो गेज प्रेशर होता है वो एच रो जी के बराबर होता है। ये कहाँ से आया अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसलिए देखो, ऑटोमोबाइल का ही एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है, द प्रेशर विच यू मेजर इन आवर ऑटोमोबाइल टायर्स इज द गेज प्रेशर, टेक केयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक जो नॉलेज एक्वायर किया वो है कि प्रेशर क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, और लिक्विड्स में खास करके प्रेशर का क्या खासियत है, और कुछ हमने एग्जांपल लिया कि प्रेशर का यू नो रियल लाइफ के साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस है, एंड लास्टली वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स एक्टिंग, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले जो स्लाइड था उसमें देखा होगा हमने एक एच रो जी टर्म यूज किया,
अब उसको देखते हैं, आई एम श्योर कईयों के दिमाग में आएगा एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ गया, है ना। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लिक्विड के अंदर चला जाता हूँ, एक लिक्विड के अंदर चला जाता हूँ, ये वो लिक्विड है मान लो, और मान लो एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लो, वैसे तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो कोई बात नहीं है, बट सिलिंड्रिकल शेप्स थोड़ा स्टैंडर्ड शेप है, आसान है समझना, इसलिए हम सिलेंडर से समझा रहे हैं। अब देखो सिलेंडर के ऊपर मान लो एरिया है, नीचे भी एरिया है, स्टैंडर्ड सिलेंडर हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल फ्लैट सर्फेसिस, वैसे वर्टिकल रखा हुआ है। अब देखो अगर मान लो मैं अपने ऊपर एक बॉक्स रख लूँगा तो यहाँ पे प्रेशर फील होगा, क्या फील होगा, बॉक्स का वेट अपॉन बॉक्स का एरिया, तो सिमिलरली यहाँ पे भी फील होगा प्रेशर। और अभी मैंने अगर याद होगा थोड़ी देर पहले बताया था कि लिक्विड प्रेशर चारों तरफ एक्ट करता है, देयरफॉर अगर मैं इसके आसपास के फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो जरा ध्यान से देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। अब एक काम करता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, इनफैक्ट कोई भी वॉल के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ, बट इसी का बनाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सपोज ऐसे, सो साइड व्यू से देखोगे तो सिलिंड्रिकल वाला नहीं पता चलेगा, ऐसे ही देखने में आएगा। इस ऑब्जेक्ट के आसपास के जो लिक्विड ड्रॉप्स है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी एक दो या दो तीन लिक्विड ड्रॉप्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो उसके पहले मैं काम करता हूँ, मैं एक सरफेस लेता हूँ, सरफेस ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजेंटल या वर्टिकल हो, कैसे भी सरफेस हो सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसी एक जनरल सरफेस ले लिया। और सपोज मैं एक काम करता हूँ, इसके आसपास के लिक्विड ड्रॉप्स को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद वन लिक्विड ड्रॉप, एक लिक्विड ड्रॉप मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये एक लिक्विड ड्रॉप है, डोंट गो बाय द ड्राइंग, आई मीन वो गोल तो नहीं लग रहा, बट चलो कोई नहीं, उसको गोल बना लो अपने। ये जो लिक्विड ड्रॉप है ये एक्सपीरियंस भी कर रहा है चारों तरफ से और खुद भी प्रेशर दे रहा है चारों तरफ से। तो ये लिक्विड ड्रॉप क्या कर रहा है, ऐसे ही चारों तरफ प्रेशर दे रहा है, ये देखो ऐसे, देखो ऐसे एक्ट करेंगे प्रेशर, चाहो तो और लाइंस बना लेना, बट आई थिंक इतना ही बहुत है, इतने में आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं। अब मैं काम करता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ ये लिक्विड ड्रॉप इस सरफेस के ऊपर, यानी ये जो सरफेस है इसके ऊपर क्या और कैसे फोर्स लगा रहा है, उसका जवाब इस तरह से होगा कि देखो इस सरफेस के ऊपर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, सपोज ये एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर देखो चारों तरफ से ऐसे लिक्विड फोर्स लगा रहा था, प्रेशर लगा रहा था बेसिकली। तो जरा देखो सिमेट्री से, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सब पेयरिंग में होगा। अगर मैं मिडिल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो इधर जितना एंगल पे होगा उधर भी उतना एंगल पे होगा, यानी इनके ये वाले जो कंपोनेंट्स है वो तो होगा कैंसिल, लेकिन लेकिन जो ऐड होगा वो बता देता हूँ, इन सब के वेक्टर के रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा, यानी थोड़ा सा खुद लॉजिकली देखो फोर्स क्या होगा ना, इन सब के रिजल्टेंट फोर्स ऐसे हो जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स आएंगे किसी भी सरफेस के ऊपर लिक्विड के वजह से और इवन गैस के वजह से भी, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी तक सिर्फ बोला ही था थोड़ा सा, बट अभी मैंने थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करके बता दिया कि इन सब के रिजल्टेंट कैसे और क्यों जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनेंगे, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर मैं इस आइडिया को थोड़ा एक्सट्रापोलेट करूं तो इन दैट केस क्या होगा ना, यहाँ से भी कुछ प्रेशर आएगा, कुछ साइड से भी आएंगे और कुछ नीचे से भी आएंगे, तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा वो तो आएगा ऐसे, साइड से जो आएंगे वो तो चलो ऐसे आएंगे कुछ, साइड से इसलिए बड़ा होता जाएगा क्योंकि जितना नीचे जाओगे ना उतना ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन ऑफ द लिक्विड ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है इन द सेंस कि ऊपर रहता है, तो इसलिए क्या होगा ना, इसका जो प्रेशर का वैल्यू है या अमाउंट है या मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि इन सब के यानी इन दोनों का रिजल्टेंट तो जीरो होगा क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, साइडवेज ऐसे दो दो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये जीरो नहीं होगा अगर तुम ऊपर नीचे का देखते हो, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, और ये सिर्फ इसी बॉडी पे नहीं हो रहा, किसी भी बॉडी पे होगा कि ऊपर की तरफ से जो प्रेशर है उसके वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स होगा, और नीचे की तरफ से जो प्रेशर है, नीचे वाले सरफेस से जो प्रेशर ऊपर की तरफ होगा, ये हमेशा ज्यादा होगा। अब बोलो लॉजिकली क्यों, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो प्रेशर होता है वो होता है रो जी वाई टू माइनस वाई वन, चलो रो जी एच ले लो, एच रो जी इज द प्रेशर। अब देखो वो प्रेशर तो एच के साथ बढ़ता जाएगा क्योंकि जितना नीचे जा रहा है उतना एच का वैल्यू यानी डेप्थ का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक चीज है
कि दाएं बाएं दोनों का कैंसिलेशन हो जाएगा। सो देयरफॉर ये जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है ना, ये जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल होगा। और इस वजह से क्या होगा, ये जो बॉडी है इसके ऊपर एक नेट फोर्स आएगा, इस बॉडी के ऊपर एक नेट फोर्स आएगा। बट एनीवे, अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लेट अस से अगर मान लो एक लिक्विड है और मान लो यहां पे कोई एक एरिया है और मान लो वो एरिया एच डेप्थ के ऊपर है, अगर ऐसे होगा इन दैट केस इसका वेट कितना होगा, क्योंकि इसी का वेट एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, तो इसका वेट होगा एच ए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी रो इनटू जी, वी रो जी। ये क्या है, ये है वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दिस सेक्शन। कि मेरा पर्पस क्या है, मैं जानना चाहता हूं इस सेक्शन में प्रेशर क्या है, सो आई वुड लाइक टू नो द प्रेशर तो कितना हो जाएगा। ये तो हो गया फोर्स, एच इंटू ए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी इज वेट, वेट यानी फोर्स अपॉन एरिया यानी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज इक्वल टू दैट इज द प्रेशर, दैट इज हाउ द प्रेशर इज सपोज टू बी कैलकुलेटेड इन दिस केस। तो एच डेप्थ पे जो प्रेशर बनता है वो है एच रो जी। तो अगर मान लो तुमको एब्सोल्यूट पता करना है यहाँ पे, तो दैट केस क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर और साथ में इतने से प्रेशर को ऐड करोगे, दैट इज द एटमोस्फेरिक, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फेयर एंड ऑल्सो ड्यू टू द स्मॉल पार्ट ऑफ द लिक्विड। यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो ज़्यादा होगा क्योंकि इसका डेप्थ ज़्यादा है और इसीलिए इस बॉडी पे एक नेट अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा एंड दैट इज गिवन बाय रो जी वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, द प्रेशर और फोर्स का जो है एक्सप्रेशन बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो ये तो प्रेशर का एक्सप्रेशन हो गया, फोर्स का चाहिए तो इनटू एरिया कर लो, फोर्स का भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है वो रेट अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए जो टर्म हमें पता होना चाहिए या उसके वैल्यूज पता होना चाहिए एंड दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट लाइक एनी अदर ग्रेडियंट इज व्हाट, वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटी विद डिस्टेंस। तो ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आई वुड लाइक टू नो हाउ डज द वेरी प्रेशर वेरी विद डिस्टेंस। तो मैं देख रहा हूँ कि प्रेशर के एक्सप्रेशन है एच रो जी, चलो ठीक है, अगर कभी कुछ और कंटेक्स्ट में आ जाएंगे तो यही यूज करेंगे तो एच के जगह वाई हो जाएगा। तो इस केस में अगर देखेंगे तो वाई डेप्थ पे प्रेशर क्या होगा, वाई रो जी। अब मैं जानना चाहता हूं प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कितने प्रेशर के वजह से, ठीक है ना, कितने प्रेशर के वजह से कितने डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो जैसे अभी देख रहे हो कि प्रेशर हो गया पी इज इक्वल टू वाई रो जी यानी डीपी डीवाई, डीपी डी वाई क्या हो जाएगा ना इक्वल टू सिंपली रो जी, बिकॉज डिफरेंशिएटिंग पावर ऑफ वाई ऑफ वन, तो उसको डिफरेंशिएट करो तो पावर जीरो हो जाता है विच इज वन। सो देयरफॉर यू गेट प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू डीपी डी वाई इज इक्वल टू रो जी। ठीक है, दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है वो हम लोग अगले सेक्शन में करेंगे विच विल कम अप राइट नाउ। अब देखो हम थोड़ा सा डिस्कशन को बदल रहे हैं, व्हाट इज द डिस्कशन अबाउट, इट इज द डिस्कशन ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी वेयर एच इज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जी ऑब्वियसली इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको कैसे यूज करेंगे ना, देखो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया है या नहीं, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर
इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। अब प्रेशर के लिए एच रो जी चाहिए, है ना। तो क्या क्या दिया, देखो डेंसिटी रो दिया हुआ है, हाइट दिया 10 किलोमीटर, यू विल ऑल्सो फाइंड आउट द एरिया विच इज 100 मीटर बाई 80 मीटर एट द बॉटम ऑफ द एटमोसफियर। यानी अगर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड यानी अगर गैस को ले तो इन दैट केस बोल रहे हैं कि एन इफेक्टिव डेंसिटी सॉरी हाइट ऑफ 10 किलोमीटर और इफेक्टिव डेंसिटी 1.3 kg/m³। तो देयरफॉर अगर प्रेशर चाहिए होगा निकालना है, प्रेशर तो नहीं सॉरी फोर्स निकालना, हाँ फोर्स, तो फोर्स हो जाएगा ए इंटू पी दैट इज एरिया इंटू प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू, तो एज यू नो फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू प्रेशर। प्रेशर तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा क्या है, एच रो जी, तो एच रो जी इंटू एरिया। अब जो है वैल्यू स्पोर्ट करते जाओ, एच के जगह 10 किलोमीटर तो सारा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, रो डेंसिटी दिया हुआ 1.3 kg/m³, जी तो अराउंड 9.8 या 10 ले लेना फॉर सिंप्लीफिकेशन, और एरिया भी आ गया दैट इज 80 मीटर इंटू 100 मीटर। तो जस्ट बाई पुटिंग द वैल्यूज यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन दिस एरिया ऑफ डायमेंशंस 100 मीटर बाई 80 मीटर, ठीक है। फिर नाउ दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन, रो जी एच इनटू एरिया, बस इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ तो आंसर आ जाता है 1.0192 इनटू 10^9 यू नो न्यूटन, दैट्स अ ह्यूज फोर्स, 1.0192 इनटू 10^10 न्यूटन इज द फोर्स, ठीक है। तो आज हमने प्रेशर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता किया, प्रेशर के बारे में यू नो जैसे डायरेक्शनल एलिमेंट, कंपैरिजन विद सॉलिड लिक्विड प्रेशर, है ना, और प्रेशर और फोर्स में प्रैक्टिकली क्या अंतर है, यूनिट्स क्या है, डायरेक्शन कैसे होता है नहीं होता है वगैरह वगैरह। तो हमने कई सारे चीज़ें जो है आज हमने एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया। एक काम ज़रूर कर लेना, आज हमने इनफैक्ट एक दो एग्जाम्पल भी सॉल्व किया, एक काम ज़रूर कर लेना और वो है कुछ खुद से सॉल्व करना, जिसको हम लोगों ने नाम दे रखा है ट्राई और सॉल्व। तो इसमें मैंने 3 सवाल दे रखा है, ये 3 सवाल जो है घर में ज़रूर ट्राई करो, अगर आंसर आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, मैं अभी फ़िलहाल आंसर नहीं दे रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और फिर जब आंसर आता है तो उसके बाद मैं अगले लेक्चर में जो है इसके सॉल्यूशन भी दे दूंगा और उसके साथ मिला भी लेना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इनको जो है अच्छे से सॉल्व करना और मन लगा के सॉल्व करना, मतलब एक होता है कि सॉल्यूशन निकालने के तरीके से, ऐसे नहीं, सॉल्यूशन निकालने के बाद सोचो, क्योंकि ये ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर कंसेप्चुअल क्लियरिंग, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मत लेके चलो। एग्जाम में होता है मतलब हॉलबड़ी में सॉल्व कर लेते हैं, बस किस तरह से आंसर तक पहुँचना होता है, यहाँ पर अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों को सॉल्व करके एक बार दोबारा सोचो कि क्या मैंने ये सही किया है, कहीं कोई गलत स्टेप तो नहीं था, कोई ऐसे तो स्टेप नहीं था जहाँ पे मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर सकता हूँ या किया होगा, ऐसे सोच के तब जाके जब यू नो आंसर तक पहुँचते हो तो उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। मैं तो कहता चलो ठीक है, उसके बाद मान लो एक गलती भी निकल जाए, तो इतना सोचने के बाद जब गलत होता है तो जब तुम गलती को देखोगे कौन सा स्टेप गलत हुआ है तो देखना उससे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं भी इसलिए चाहता हूँ कि सॉल्व करके रिव्यू करके तब जाके यू नो उसको आंसर मानो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विथ मोर थिंग्स इन लिक्विड। लिक्विड बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, इसके बाद अगले क्लास में उसको और कंटिन्यू करेंगे विथ समथिंग न्यू। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।